मोस्ट हैंडसम अमंग हम सबके फेवरेट मिस्टर फैजू की इतने कम समय में सफलता की जिस ऊंचाई को छुआ है हर किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन इनमें इस बात का कोई घमंड नहीं है, बिकॉज इनका मानना है लोगों ने मुझे जब इतना प्यार दिया है तो मेरा प्यारा बना रहना फर्ज है। आप मिस्टर फैजू के फैन होने के कारण उनके बारे में बहुत सी बातें जानते होंगे, बट आई एम वेरी श्योर कि आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जो आप पहले से नहीं जानते होंगे। तो मिस्टर फैजू की इंटरेस्टिंग लाइफ स्टोरी को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। मिस्टर फैजू का जन्म 5 अक्टूबर 1994 धारावाही मुंबई महाराष्ट्र की एक मुस्लिम मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। मिस्टर फैजू की फैमिली में दादी, माँ, पापा और दो बहनें और एक बड़ा भाई है। भाई भी एक टिकटॉक स्टार है। इन्हें बचपन से ही एक्टिंग का काफ़ी ऑब्सेशन था, बट इन्होंने कहीं एक्टिंग की क्लासेस नहीं ली है और ना ही कभी इसको अपनी पढ़ाई के बीच में आने दिया है। इन्होंने स्कूलिंग IES न्यू इंग्लिश स्कूल इन बांद्रा मुंबई से किया है और बांद्रा के कॉलेज रिजवी कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है। और इसी कॉलेज में अदनान और बाकी दोस्त मिले जो साथ में बाइक स्टंट किया करते थे, इसीलिए इनकी टीम का नाम टीम 07 है। और इनके ग्रुप में अदनान को एक्टिंग का बहुत शौक था और वही चीज़ ये मिस्टर फैजू में देखा करते थे। जब अदनान अपने ग्रुप के साथ टिकटॉक वीडियो बनाना शुरू किए तो मिस्टर फैजू को इन्होंने सजेस्ट किया कि तुम टिकटॉक पे अकेले वीडियो बनाओ। और हुआ ये कि आज मिस्टर फैजू टीम 07 के ही नहीं पूरे इंडिया के स्टार बन चुके हैं। इसलिए अपनी सफलता का श्रेय जितना ये अपने घर वालों को और ऊपर वालों को देते हैं उतना ही श्रेय अपने दोस्तों को भी देते हैं। शायद ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी, लेकिन उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो सक्सेस नहीं हुए थे तब वो बांद्रा के एक कपड़े की दुकान में सेल्स मैन का काम करते थे और साथ साथ टिकटॉक वीडियो भी बनाना स्टार्ट कर दिया। शुरू शुरू पे इनके वीडियो पे ना लाइक्स आते थे और ना ही व्यूज, लेकिन इन्हें टिकटॉक वीडियो बनाना इतना ज़्यादा अच्छा लगता था, उन्हें ऐसा लगता था कि शायद मैं इसी के लिए बना हूँ। उन्हें टिकटॉक पे एक्टिंग करना, लिपसिंग करना बहुत ही अच्छा लगता था। शायद आज वो इसलिए ही द मोस्ट लवेबल टिकटॉक स्टार बन चुके हैं। इसके पीछे उनकी हार्डवर्क और उनका टैलेंट है। वो बताते हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ और मुझे दिन में क्या क्या करना है ये मैं प्लान कर लेता हूँ और मैं अपने काम के लिए बहुत फोकस्ड हूँ, जिसके लिए मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ और मैं दिन में 10 से 12 वीडियो डालता हूँ। इसलिए उनके शायद सबसे पहले 22 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोवर हो चुके थे, लेकिन कुछ कारण बस उनकी टिकटॉक से ID बैन कर दी गई है। मिस्टर फैजू के साथ साथ अदनान, हसनैन, फैज बलोच और सदनान की भी ID ब्लॉक कर दी गई है। इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि ऐसा लगा कि जैसे एक रात में किसी ने पूरी दुनिया ही छीन ली है, बट इन सबने हार नहीं मानी, ये एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली खड़े रहे। आज भले ही मिस्टर फैजू और टीम 07 की टिकटॉक ID वापस ना मिल पाई हो, लेकिन इनकी लोगों के बीच पॉपुलरिटी थोड़ी सी भी कम नहीं हुई है। इस बात का अंदाज़ा इनका नज़र न लग जाए सॉन्ग से आप लगा सकते हैं, जिसमें टीम 07 ने साथ में काम किया और यूट्यूब पे ये सॉन्ग 24 घंटे में काफ़ी वायरल हो गया था और लोगों ने इस गाने को बहुत ज़्यादा पसंद किया और ये द मोस्ट फेवरेट ऑनलाइन मॉडल का भी खिताब अपने नाम कर चुके हैं। अगर आपको जल्द ही ये किसी TV सीरियल या फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर नज़र आए तो आप सरप्राइज मत होइएगा, क्योंकि इनकी फैन फॉलोइंग देखकर इनके साथ काफ़ी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर काम करना चाहते हैं। अगर इनके फेवरेट हीरो की बात करें तो ये सलमान खान और शाहरुख खान से काफ़ी इंस्पायर हैं और उन्हीं की तरह फिल्मी जगत में अपना नाम कमाना चाहते हैं। अगर इनकी फेवरेट हीरोइन की बात की जाए तो इनकी फेवरेट हीरोइन दीपिका और कैटरीना कैफ है और ये दीपिका पादुकोण के साथ स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं, ये इनकी विश है। फिलहाल इनकी केमिस्ट्री जन्नत जुबेर के साथ बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है और इनकी लिंकअप की भी खबरें आई थी, लेकिन जन्नत ने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि हम एक बहुत अच्छे दोस्त हैं और मिस्टर फैजू की बात करें तो ये मम्माज बॉय हैं। इन्होंने साफ कह दिया है कि मैं अभी अपने करियर पर फोकस्ड करना चाहता हूँ और मैं फिलहाल सिंगल हूँ। फिलहाल ये बड़े बड़े ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं और ये एक फैशन ब्लॉगर भी बन चुके हैं और इनके फ्यूचर में काफ़ी म्यूजिक एल्बम भी आने वाले हैं। इसी बात के साथ करते हैं वीडियो को।